नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भरत रावत ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरे चंडीगढ़ से रामनगर तक का सफ़र, जो कि मैं कर रहा हूं इस शानदार सी बस में। दोस्तों, लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि रामनगर के लिए चंडीगढ़ से बस कितने बजे जाती है, उसका टिकट क्या रहता है और कितने बजे पहुँचती है, तो आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बात करूं इस बस की टाइमिंग की, तो ये शाम को 5 बजे सेक्टर 17 चंडीगढ़ बस स्टैंड से चलती है और रामनगर ये करीब 3:30 या 4 बजे के बीच सुबह पहुंच जाती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ से सेक्टर 17 बस स्टैंड से जो है ऑप्शन है बस का, वो है 9:30 से 9:15 बजे के बीच में चली जाती है। और तो आप अगर इस वाली बस को मिस कर देते हैं तो आप 9 बजे तक बस स्टैंड आके वो दूसरी बस को पकड़ सकते हैं। और बात करूं इसके प्राइस की, तो पर पर्सन जो टिकट का प्राइस रहता है वो 695 रहता है। दोस्तों, बात करूं इस बस के रूट की, तो यह चंडीगढ़ से अंबाला यमुनानगर होते हुए हरिद्वार जाती है और फिर वहां से बरेली होते हुए काशीपुर और फिर रामनगर पहुंचती है। दोस्तों, बस स्टैंड से चलने के बाद 2 घंटे बाद ये बस हिमाचल ढाबा है, यहां पे जगह है एक, वहां पे आधे घंटे के लिए यहाँ पे स्टे रहता है इस बस का और यहीं पे खाना वगैरह खा के फिर आगे का सफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बस फिर रात को 12:30 से 12:30 बजे हरिद्वार से आगे रुकती है। दोस्तों, हरियाणा पार करके अब बस जा चुकी है यूपी के अंदर और ये धामपुर जो एरिया आता है, धामपुर, नगीना, बरेली, उस रूट पे चल पड़ी है।
तो दोस्तों बस अब एंटर कर चुकी है उत्तराखंड में और ये एरिया आ गया है काशीपुर का, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला एरिया है। मुझे रामनगर से थोड़ा पहले उतरना है तो मैं रास्ते में उतर जाऊंगा और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। तो दोस्तों ये बस पहुँच गई 4 बजे रामनगर और मैं रास्ते में उतर गया था, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड कर देता हूँ इस वीडियो को। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।